यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम क्या दे रखी है, तो यहाँ पर अपन को ये दे रखा है कि y is equal to f of x be a parametrically defined expression so that x is equal to this and y is equal to this for t belongs to 0 to 6, तो अपन को मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y of x, y is equal to f of x बतानी है। तो यहाँ पर अगर अपन y को देखे तो y अपन को दे रखा है 2t cube minus 15t square plus 24t plus 10। यहाँ से मैं y dash निकालू तो वो मेरे पास आ जाएगा 6t square minus 30t plus 24। और यहाँ से भी मैं 6 कॉमन ले लूँ तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 आएगा, जो तो अपना y डैश आ जाएगा यहाँ से 6 टाइम टी माइनस 1 टी माइनस 4, ये आ गया। उसके बाद मैं ये सिर्फ मैंने अभी dy निकाला है, dy निकाला है यहाँ पर, और dx मैं निकालूँ या बेसिकली dy बाय dt, वैसे मैं यहाँ पे dx by dt निकालूंगा क्योंकि सारे t के टर्म्स में है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 60 minus 18, तो 6 कॉमन लूँ तो t minus 3। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से dy by dx निकालने वाला हूँ, जो कि मेरे पास dy by dt divided by dx by dt आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास t minus 1 t minus 4 divided by t minus 3 आएगा। और यहाँ से आप तुम dy by dx को देखोगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, dy dx of dy by dx multiply by dt by dx, मतलब d, ये ऐसे तुम्हारे पास t के फॉर्म में आया ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो dy dt of this and dt by dx of this। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा डिवीजन रूल लगाने के बाद। और यहाँ पर dt by, जो शुरू में मैंने dx by dt निकाला था, जो ये निकाला था 6 times of t minus 3, तो यहाँ पे मैं उसका रिवर्स पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे ऐसे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया। अब अगर मैं t equal to 1 पर देखूँ तो t equal to 1 पर जो मेरा d2y by dx 2 है उसकी वैल्यू अगर तुम चेक करोगे तो लेस देन 0 आएगी। जैसे यहाँ पे पुट करके देखू मैं तो 1 minus 6 plus 11 एंड टी माइनस 1 minus 3 का होल स्क्वायर 6 1 minus 3, तो यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ऊपर तो 6 बन रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 या माइनस का आ रहा है, तो लेस देन 0 आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, मींस यहाँ पे मैक्सिमा आएगा। वैसे ही अगर मैं टी इक्वल टू मेरा जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है मेरे पास, 1, 4 and 3, तो टी इक्वल टू 4 पे चेक करूँ, तो 4 पे चेक करूंगा तो इसमें देखोगे तुम पुट करके, तो जो डी टू आएगा डी एक्स टू आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ पे मिनिमा आएगा। और अगर तुम टी इक्वल टू 3 पर चेक करोगे तो यहाँ पर टी इक्वल टू 3 पे चेक करने पर अपने पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है, तो टी इक्वल टू 3 पे यहाँ पे देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड, यहाँ पे अपन बता सकता है डी वाई बाई डी एक्स टी इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है। और यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो ये भी डिफाइन नहीं होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी, और टी और 3 की विसिनिटी में ये चेंज कर रहा है साइन को भी, अपना साइन भी यहाँ पे चेंज करेगा। अगर मैं 3 से लेस देखू तो यहाँ पे अलग साइन आएगा, और 3 प्लस पे देखू तो अलग साइन आएगा, तो मतलब यहाँ पर चेंज कर रहा है साइन भी, तो यहाँ पर ना तो ना इधर मैक्सिमम होगा नोर मिनिमा। तो अपने पास जो पॉइंट है चेक करने के लिए अपने पास इंटरवल टी का 0 to 6 दे रखा था, तो एक टी इक्वल टू 0 पे चेक करना है, टी इक्वल टू 6 पर चेक कर लेंगे, टी इक्वल टू 1 पर एंड टी इक्वल टू 4 पर अपन चेक करेंगे। तो t इक्वल टू 1 पर अगर तुम उस एक्सप्रेशन में पुट करोगे जो अपने पास एक्सप्रेशन थी, y इज इक्वल टू तुमको क्या दे रखा था, 2t क्यूब एंड माइनस ऑफ कितना दे रखा था, 15t square 24t and 10। और यहाँ पर अगर तुम t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू तुम्हारा 21 आएगा, जो कि अपन ने मैक्सिमम वाला बताया था, और t इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू तुम्हारा माइनस 6 आएगा, ये अपना मिनिमम वाला था। और t इक्वल टू 0 पे एंड पॉइंट पर देख लेते हैं, एंड पॉइंट पर देखे तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे अपने पास y की वैल्यू 10 आ रही है, एंड t इक्वल टू 6 पर देखोगे तो y की वैल्यू तुम्हारे पास 46 आएगी। तो यहाँ से अगर तुम्हें 0 टू 6 में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, y इज इक्वल टू f ऑफ x की, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी तुम्हारी, यहाँ पे 6 पे आ रही है, कितनी आ रही है, 46 आ रही है, तो 46 अपनी मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू बतानी है तो कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू तुम्हारी -6 आ रही है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी हो तो पूछना, मिलता है नेक्स्ट।